देखो जैसा जैसा मेरे को बोलते हो वैसा उसको नहीं बोले, तुम कजन भाई की साइड ले रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दोस्त समझता ही नहीं हो तुम लोग को। वो सबके बीच में होता है, सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि उससे भी मैंने बात करी तो वो भी इग्नोर कर रहा है टॉपिक तुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल, मैं हूं अरसलान, लाइफ होगी चंगी जब देखोगे अतरंगी। तो गाइस बैकग्राउंड देखा आप लोगों को समझ में नहीं रहोगे, लेकिन आज बिल्डिंग के नीचे समझ गए रहे। हाँ, बिल्डिंग देख के तो समझ गए रहोगे, लेकिन मैं आज जिशान भाई के साथ हूँ और आरती ऊपर है। मुझे जिशान भाई से कुछ बात करना था, पर्सनल मतलब पीसी बात ये करना था। PCNL हाँ भाई, बस मैं बोल रहा था, SONL हो गया, तो फिर मैं बोल रहा था कि भाई अबरेश का क्या करना है। अरे जो भी मैटर है शॉर्ट आउट करके हटाओ भाई। अरे तुमको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है क्या मैटर है क्या नहीं है। जो भी है, लेकिन बात करोगे तभी तो तुम तुम्हारे कजन भाई की साइड लोगे। कजन भाई साइड, मैं तो तुमको भी बोल रहा हूँ, मैं उसको भी बोला, मेरे को जैसा मेरे को बोलते हो वैसा उसको नहीं बोले, तुम कजन भाई की साइड ले रहे हो। बात कर लिया भाई उससे, मैं भी वही क्या बोल रहा हूं, किया उसने? मैंने क्या उसको बोला कि जो भी मैटर है तुम लोग आपस में मिलके सॉर्ट कर लो, क्यों इतना दिन से मिल रहे नहीं एक दूसरे से। ओ भाई ऐसी बातें बोल रहे है भाई, अभी क्या ही बोलूं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग बैठो क्लियर करो तब जाके सॉर्ट होगा कुछ, समझ रहे हो? कैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एकदम क्लियर बात किया हो भाई मैंने। क्लियर बात की तुमने, कुछ क्लियर बात नहीं। मैं जब भी मसला था जो कुछ भी था मैंने एकदम क्लियर बात बोलकर हट गया, उसके बाद से अगर मेरी गलती रहेगी तो बता देना। वैसे तो क्या मालूम, तुम तो बताओगे नहीं क्योंकि तुम कजन का तुम साइड लोगे। कुछ नहीं, हाँ तो सही है ना भाई। अभी तुमको तुम लोग को ये नहीं मालूम है कि तुम लोग को तो मालूम ही है, वैसे तुम लोग भी दूर के कजन ही लगते हो मेरे। हाँ लेकिन अरे भाई तुम इतनी सी बात को तुम जब उसको दोनों जन हो गए हो भाई, जब तुम उसको समझा सकते हो। मैं तो समझाया, मैं तो वो सारी चीज तुम मुझे बोल रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद अरे तुम भाग क्या रहे हो, मेरे को मालूम है भाई जिशान भाई कजिन। गाइस हम लोग जिशान भाई के काम से कुछ बाहर आए थे कारगर में, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बात ही कर रहे थे हम लोग मोस्टली। तुम्हारी लाइफ में ना पता नहीं क्या हुआ क्या होता है, बताओ ना क्या हुआ। जब भी तुम बाइक लेते हो या मतलब दिए तुम्हारी मम्मी ने वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी बाइक का कनेक्शन बहुत ज़्यादा गंदा है। मेरे को भी कभी कभी ऐसे लगता है कि बाइक मेरे लिए बनी ही नहीं है। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार, मर्सिडीज लेने की बारी आ गई है। अरे पैसा तुम दे रहे हो क्या? हाँ तो मैं ये बोल रहा था गाइस, अभी टायर पंचर हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में इतने खड्डे से जो पत्थर अत्थर निकलते हैं या जो कुछ भी, बहुत होता है भाई। हम लोग अरे बाप रे बाप, पंचर हो गए अभी तक। चलो ठीक है, गाड़ी स्ट्रगल हो गया, स्ट्रगल देखो अभी स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, ये मैं बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे मालूम पड़ रहा है कि इससे पहले मुझे स्ट्रगल कर लेना चाहिए था, तो अब जाके मुझे ये सब सारी चीज़ें नौबत नहीं पड़ती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने लेट स्टार्ट किया हूँ। तो जिशान भाई टाइम रहते सब सीख जाना चाहिए भाई, टाइम रहते सब पे सही बात है, ऐसा ट्राई करना चाहिए कि अपन मेहनत टाइम से पहले कर ले, क्योंकि जितना जल्दी अपन करेंगे अपने आगे की लाइफ अच्छी होगी। लोग बोलते ना कि इतनी एज में 35 की एज में इतना हो जाना चाहिए ना, उससे पहले ही कर लो कि 35 में सुकून से रहो। यार मेरे को नहीं लगता कि मेरी लाइफ बहुत इजी होने वाली है, बहुत स्ट्रगल है मेरे पास। देखो हर चीज हिम्मत दे यार, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता ही है भाई। हाँ मालूम है मुझे, लेकिन कामयाबी इंशाल्लाह भाई, वही वही कोशिश तो वही है कर रहा हूँ इक्का दुक्का करके, लेकिन अभी हो जा रहा है तो क्या बोल सकते हैं। अभी बिलाल भाई को हम लोग फोन किए, बिलाल भाई बेचारे आ रहे, चला सकता हूँ गाड़ी में, ऐसा नहीं है नहीं चला सकता हूँ, लेकिन जिशान भाई का वेट माशाल्लाह है, तो पीछे टायर देखा ना मैं, ऐसा लगा मेरे को गिर गया, व्हील से बाहर आ गया टायर। क्या बात कर रहे हो, ऐसा मत करो यार, मेरे को डराओ मत। और क्या बात कर रहे हो यार, सही बोलो भाई, मैं बैठू क्या? नहीं नहीं मत जान दो भाई, तो दिखाओ तो। ये देखो गाइस एकदम ही बिचक गया यार। मेरे को क्या लगता है मालूम है, जब अपन घूम रहे थे ना वो कार के सिलसिले के लिए समझे, तब अपन पत्थर अत्थर पे चढ़ा दे रहेंगे, और मैंने देखा नहीं था, पट करके आवाज़ आई थी तो मैंने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि टायर होता है, लेकिन हो गया। तुम्हारे दुनिया अरे मसले ही खत्म हो चुके हैं। हाँ भाई मैं खुद में उलझा हुआ इतना, अरे बिलाल भाई भी आ गए, ले बिलाल भाई
हेलो बिलाल भाई, हेलो। मैंने भाई भाई को लेकर आया, वो बर्गमैन के भाई को बर्गमैन अकेले में बोला कि अभी ट्रिप्सी होना पड़ेगा तो फिर क्यों लेकर। ट्रिप्सी नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ निशान भाई को तो नहीं मानना पड़ेगा, पेट्रोल है। मैं चला लूंगा लेकिन कहाँ मिलेगा पंचर वाला वो बता दो, क्योंकि मैं तलोजा रुक नहीं पाऊंगा भाई, मेरे को जाने का टाउन। मेरे को लग रहा है यार, यार रास्ते में है ना कहीं टायर का, ये पंचर हुआ या टायर, पंचर पंचर वो ढीला आवाज है, ये शॉर्ट है, पंचर। अरे पंचर हुआ है, दिख रहा है फटा हुआ। अरे पंचर हुआ है, टायर बच्ची आएगा कुछ महंगा टायर। अरे चलो देखते ना पहले टायर पंचर हुआ है क्या हुआ है, देखते हैं चलो। और जाके मुझे अभिरेश से भी बात करना था, वो भी कर लेंगे, मैं सोच रहा हूँ कर लूँ भाई, मैटर सॉल्व करके खत्म करो, खत्म ही कर डालते हैं वही, देखते हैं देखते हैं। दिखाना ही है, अगर करता है तो कल करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर देखते। एज ऑलवेज बिलाल भाई एज अ रेस्क्यू। बिलाल भाई तीन चार जगह पूछे तब जाके समझ में आया। और गाइस यहाँ पर टायर मेरा फट गया था, मतलब टायर के अंदर का ट्यूब फट गया था, तो ये टायर मैं ट्यूब लेस कर दिया हूँ अभी, तो देखो अभी लगा रहा हूँ, लगाने के बाद फिर डायरेक्टली चलते हैं घर पे, वापस सब लोग वेट कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली थक थका कर हम लोग सब आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आरती, जिशान भाई, जाहिद भाई एंड काशिफ भाई है जो कि न्यूली, और यहाँ पर बिलाल भाई भी है जो कि न्यूली डैडी बने हैं। मुबारका ब्रो, थैंक यू सो मच। और मैं ये बोला था आरती यार हम लोग के साथ आते आते बहुत गंदा मसला हो गया मेरे, और वो मसला मैंने एक ही मसलेदार को हल कराते। अरे लव यू, चाय पी लो, थक गए होंगे, गुड मॉर्निंग, क्या जूस पिला दो। नहीं तो मुझे अभी तो लग दफना है कि पानी लाने में। तो हम लोग है ना वो टायर ना फट गया था यार आरती, तो बस उसी की वजह से। और मैं ये बोला था कि मैंने बात कर लिया हूँ जिशान भाई से, जिशान भाई अब कजिन है ना, जिशान भाई का कजिन है तो ज्यादा साइड लेंगे जिशान भाई, अब मैं भी कजिन लगता हूँ। काशिफ भाई मैं भी तुम्हारे रिश्ते में लगता हूँ, तुमको मालूम है कि नहीं? क्या बात है, बहुत दूर से, बहुत दूर से, बहुत दूर से, तुम्हारे से तो बहुत दूर से, इन लोग से तो बहुत नजदीक है। वो छोड़ो बट काशिफ भाई इसको समझाओ तुम लोग, मैं बहुत थक गई हूँ समझा के। अरे दोस्ती में मसले होते हैं। अरे देखो होता है काशिफ भाई, सब कुछ होता है, लेकिन जो बोले ना वो नहीं बोलना चाहिए था। किसने क्या बोला? काशिफ भाई को नहीं मालूम है, अभिरेश की बात कर रहा हूँ। अभिरेश, अरे वही यार मसला बताया था ना अभिरेश का, तो थोड़ा मसला चल रहा है। देखो जो मैंने मेरे को बोलने का था जो मेरे को, तो वो मैंने बोल दिया, ठीक है अब। अरे भाई दोस्त समझता ही नहीं हूँ तुम लोग, नहीं मैं दोस्त समझता ही नहीं हूँ तुम लोग, ठीक है मैं भाई समझता हूँ। सुनो तुम दोनों दोस्त हो, हम लोग आपस में अपना सॉर्ट आउट करो, हम कोई थर्ड पर्सन नहीं होता आप दोनों के बीच में बोलने। हाँ लेकिन भाई फिर भी एक मसला, समझदारी से छोड़ो ना। देखो समझदार मैं जितना हूँ, समझदार मैं जितना हूँ उससे कई ज्यादा समझदार तुम लोग को मैं समझ, मतलब हाँ। एक समझदार को दूसरा समझदार ही लगता है, समझे? तो इसके लिए मैं तुम लोग से सबसे पूछ रहा हूँ, बोलना भी कुछ भी नहीं, कैसे लोग आज वो सबके बीच में होता है। और हम लोग भी जाहिर और मैं इसलिए नहीं बोल रहे कुछ, क्योंकि आप लोग बड़े भाई लोग जैसे, समझ गया मैं, हम लोग छोटे भाई जैसे, हम लोगों का हक नहीं बनता ये चीज पे बोलना। देखो मैं तो मानती हूँ अपना हक, क्योंकि तुम लोग दोनों ही मेरे दोस्त हो, तो मैं तुम लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग इज्जत से दोनों सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि उससे भी मैंने बात करी तो वो भी इग्नोर कर रहा है टॉपिक, तुम भी इग्नोर कर रहे हो, तो बहुत गलत है। बुला लेता हूँ ना, इसको बुला लो, बुला लूं, फेस ऑफ देखते हैं, बात करना चाहेंगे तो बात कर लो, लेकिन लड़ना मत, नहीं तुम लोग को लड़ना है आपस में, हाथापाई भी करना है, अलग जाओ अपना करो, जहाँ कोई इंटरप्ट ना करे बीच में, लेकिन हम लोग के सामने लड़ोगे तो फिर अजीब लगेगा। हम लोग को फोन कर देना कौन कौन जीतने वाला है, ठीक है? क्योंकि दो दोस्त के बीच में बोल के हमारा कोई फायदा है नहीं, नहीं लड़ने वाली बात है ही नहीं, तुम लोग बात करके खत्म करो, ठीक है? बुला लो लड़ने वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी हो गई, बुला लो नहीं अगर बात करने का, अरे मारम मारी नहीं मारूंगा, पागल है क्या? मैं मारूंगा तो हाँ, तो उसका भी खा रहे, तुम क्या करो मालूम, हम लोग नहीं बोल सकते, तुम दोनों के दोस्त हो, ठीक है? तुम क्या करो मालूम, बीच में आओ और बोलो कि अरसु तुम मेरे को एक लाफा, अभिरेश तुम मेरे को एक लाफा, सही बात है बोलो, नहीं 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 आरती को नहीं, एक काम करो अभिरेश को बुला लो, अभिरेश की बात करते फिर अपन, ठीक है? लेकिन अरसु अपना टेम्पर नीचे कर, मैं देखूंगा ना जब जैसा रहेगा, ठीक है? चलो अभिरेश को बुला, आराम से बात करना अरसु,
अभिनेश को बुलाते फिर देखते। अरे बस हो गया, अभिनेश को बुलाते और देखते। यहाँ पर हम लोग चाय पियेंगे। एज ऑलवेज अभिनेश भाई को फोन किया तो अभिनेश भाई ने उठाया नहीं अभी। हाँ तो सही बात है ना, अभिनेश भाई ने उठाया नहीं। बिलाल भाई अंदर पानी ले, बिलाल भाई आते आते पानी भी लेकर आना। इतना गए क्या करना, अभिनेश भाई आ गए, कांग्रेचुलेशन। अब करो जो बात करने का, ठीक है?